मोबाइल फोन आज हम सब की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हमारे फोन में जैसे ही बैटरी कम होती है, हम उसे तुरंत चार्जिंग पर लगा देते हैं, या यदि हम कहीं बाहर होते हैं और हमारा फोन बंद हो जाता है तो घर आकर सबसे पहले हम अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं। एक बार जब हमारा फोन 100% चार्ज हो जाता है तो वह अच्छे से काम करता है और एक लंबे समय तक चलता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग भी मोबाइल फोन के समान हैं। अगर हमें चार्जिंग ना मिले तो हम भी किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होंगे और अपने शरीर को दोबारा चार्ज करने के लिए हम सोते हैं, और जब हम सोकर उठते हैं तो हम फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं। मित्रों, परमेश्वर ने हमारे शरीर को इस रीति से बनाया है कि हम अपने कार्यों को करने के बाद थोड़ा आराम करें, ताकि फिर से शक्ति पाकर आगे के कामों को भली रीति से कर सकें। हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत थके हुए हों, कई प्रकार के कार्यों में उलझे हुए हों, जिसके कारण आपके कई काम बन नहीं पा रहे हों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब थोड़ा आराम करने का समय है। आपको अपने शरीर को फिर से चार्ज करने की आवश्यकता है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मुझे आराम करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है और मैं सारे कामों को खत्म करने के बाद ही आराम करूंगा या करूंगी। पर मित्रों, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपके लगातार कार्य करने से आपके बहुत से कार्य ना बन पा रहे हों और कई लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ते जा रहे हों और आपकी सेहत भी खराब हो रही हो। इसलिए अपने कैलेंडर को देखिए और अपनी प्राथमिकताओं को जांचते हुए अपने कार्यों को करिए और समय समय पर आराम करिए, ताकि आराम से आपका शरीर एक बार फिर से चार्ज हो जाए और आप फिर से अपने दैनिक कार्यों में लग सकें। बाइबल की भजन संहिता नामक पुस्तक के अध्याय 23 के पद 1 से आगे लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। यहाँ यह वचन हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर हमें हमारे थके हुए शरीरों से आराम देता है, क्योंकि वह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं।